मैंने मारा है बांके को, और उसके इल्जाम में उस चुड़ैल चारू को जेल भेजा था। 10 साल बाद ही सही, पर तूने आज सबके सामने अपना गुनाह कबूल तो किया? सबके सामने? अगर बापू को माँ ने मारा है तो तुम कौन हो बताओ मुझे? अनिर्बान, 10 साल बाद ही सही, लेकिन आज चारू बेगुनाह तो साबित हो गई, और यह भी पता चल गया कि वो हमेशा ही बेगुनाह थी। चारू? हाँ, चारू। चारू, तुम्हें नींद कैसे आ जाती थी? एक मासूम बच्ची को जेल भेजकर तुम्हें नींद कैसे आती थी भोली? नहीं मालकिन, मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने कुछ नहीं, ये चुड़ैल चारू ने किया है, ये सारा इसका किया धरा है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। चारू, मेरी चारू को जेल में अंधेरे में रखा, उसका बदला दुर्गा लेगी आज। नहीं, नहीं, नहीं। मेरे दिल में अपनी दोस्त दुर्गा के लिए नफरत भरी, मेरे बापू को मारा, तुझे उसकी सजा आज देगी चारू। मेरी चारू से उसकी उम्मीद, सारे सपने, सारे रिश्ते सब छीने। नहीं, नहीं, नहीं। मेरे दिल में प्यार की जगह बदले की आग भरी, इसका बदला भी चारू लेगी आज। तुझे आज तेरी हर पाप की सजा देगी दुर्गा और चारू। रुको, इसे मार के अपने हाथ गंदे मत करो, इसे इसकी सजा तो कानून देगा। मतलब हम लोग 10 साल से ढेरे में थे? हाँ, चारू तो बेगुनाह है। चारू बेकसूर है, चारू ने अपने बाबा को नहीं मारा, चत्सा चारू को नहीं है, चारू को रिहाई मिल गई, भाई सत बरी हो गए, चारू को नहीं है, कोई नहीं है चारू। आज एक 13 साल की बच्ची बाइज्जत भरी हुई है, इसे थोड़ी देर अकेले रहने दो। मासी मां, अरे तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? नहीं, अरे मेरे हर पाप में ये बराबर की भागीदार है। आप जानते हो कि मैंने बाकी को क्यों मारा था? क्योंकि बाकी आपको ये सच बताने वाला था कि आपकी खोई हुई बेटी वो देवी, वो ये छुमकी नहीं, चारू है, चारू दुर्गा की बहन
ये चुंगी नहीं, चारू है, वो है असली देवी, ये नहीं। थानेदार रुकिए, सुन, मैंने तेरा नाम ना ही लिया तो ये मत समझ तू यहाँ आराम से रह सकेगी। मैं तुझे यहाँ बाहर इसलिए रहने दे रही हूँ ताकि जब मैं जेल में जाऊँ तो मैं वहाँ आराम से रह सकूँ, उसका तू बंदोबस्त करे, समझ रही है ना तू? ध्यान रखना मेरा। लेके जाओ इसको और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। तुमने जो चारू और मेरी दुर्गा के लिए किया है उसका एहसान हम कैसे चुका पाएंगे बेटा? एक तरफ आप बेटा कहती हैं, दूसरी तरफ एहसान मानती हैं। जो किया है आपकी दुर्गा ने किया है। जीते रहो। तो एक बार शायद मुझे माफ भी कर दे, पर चारू, चारू से हम नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। कैसे माफी मांगूंगी उससे मैं? कैसे? सोना, तू उसे मना कर घर ले आएगी? बोलना, मेरी चारू को घर ले आएगी तू ना? हाँ, मेरे लिए। हाँ मासी माँ, उसे घर लाऊंगी। हाँ बच्चे, चारू को घर लेकर आओ। चारू बेकसूर है, चारू बेकसूर है। चारू ने किसी का खून नहीं किया है, चारू खूनी नहीं है, नहीं है चारू खूनी, चारू बेकसूर है। मैं खूनी नहीं हूं मैं खूनी। आज चारू बाइज्जत रिहा होगी ये माय लॉर्ड, आज चारू बाइज्जत रिहा होगी। चारू के माथे पे लगा कलंक आज मिट गया है। चारू, चारू आज, आज नहीं चारू ने जन्म लिया है, आज नहीं चारू ने जन्म लिया है। चारू, मुझे माफ कर देना प्लीज, मुझसे नफरत मत करना, मुझे मेरी प्यारी दोस्त वापस लौटा दे प्लीज, मुझे माफ कर दे प्लीज। मैंने इतने साल तुझसे नफरत की, मुझे लगा कि ये लड़ाई में अकेले लड़ रही हूँ, पर सच तो ये था कि हर पड़ाव में तू साथ थी मेरी, मुझे जानने भी नहीं दिया, और मेरा हाथ पकड़कर तूने मुझे बैरिस्टर चारू बना दिया। दुर्गा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है चारू, और तेरी हिम्मत की वजह से मुझे ये उम्मीद मिली है, ये उड़ान मिली है, और तेरी दी हुई उम्मीद से मुझे मेरा आसमान। माफ करेगी अपनी दोस्त को चारू?
ये क्या हो रहा है मुझे? कहीं मैं अपने असली मकसद से भटक तो नहीं रहा हूं? मैं भूल कैसे गया बाबा को दी हुई कसम? अनिर्बान, आज तुम नहीं होते ना तो ये सब नहीं हो पाता। बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे इंसान हो। जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट सजी हुई अच्छी लगती हो, उसे मैं उदास कैसे देख सकता हूं? आज तक तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है मैंने, पर आज शुक्रिया कहना चाहती हूं। तुम खुश, मैं खुश। Thank you.